हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया एक्यूकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान पुलिस पटवारी शिक्षक भर्ती इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। आज की ये क्लास है अपनी लाइव टेस्ट 40वें नंबर का, और आपका टॉपिक है आज का इंदिरा गांधी नहर से संबंधित परियोजना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी में वीडियो में से पूछे जाएंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों में। यह आज का पहला वीडियो है, एक वीडियो और बनेगा इसमें राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित। अब दोस्तों, जॉब दूर नहीं है, बस आपको तैयारी में लग जाना है, बस डेली ये वीडियो देखना जरूर ना भूले दोस्तों। और एक लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड कहां से करनी है तो वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने सभी विद्यार्थियों को बुला लीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। जल्दी से सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और ये डेली क्लास होती है 10:30 बजे। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तो जल्दी से किसका राइट आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप सभी विद्यार्थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है, यानी कि इसका पिता या कुछ भी मान लीजिए आप, किसे माना जाता है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, पहले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक दीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा कंवर सेन, यानी कि बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर होगा। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कंवर सेन यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो कौन से बांध से निकाली गई है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। बांकड़ा बांध, नांगल बांध, हरि के बांध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आप सभी का, क्या होगा इसका सही जवाब सब जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरि के बांध से। जो इंदिरा गांधी नहर है वो कौन से बांध से निकाली गई है? तो वो निकाली गई है हरि के बांध से निकाली गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा, सभी विद्यार्थियों ने अभी तक सभी का राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। गुड दोस्तों, लगे रहिए, आपके 20 में से कितने प्रश्न राइट होते हैं वो जरूर कमेंट करके बताना लास्ट में। टेस्ट का फिर ये मज़ा यही है, क्योंकि टेस्ट का मज़ा क्या होता है कि लास्ट में कितने सही प्रश्न निकले वो देखना। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर है उसका परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी कि ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्या जाएगा, राजस्थान के रेगिस्तान को पुनः पुरातन स्वरूप प्रदान करना, पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था करना। तो तीनों राइट आंसर हो जाएंगे आपके, यानी कि ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जो भी ऊपर है वो सभी राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की, इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य का श्री गणेश कब और किसने किया, यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया और कब किया, आपको ये बताना है। श्री गणेश का मतलब यानी कि जैसे आपने कभी नीम वगैरह देखी होगी आपके घर की, तो उसका क्या करते हैं श्री गणेश करते हैं नारियल वगैरह चंडा करके, तो वो कब किया और किसने किया जल्दी बताइए। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 21 मार्च 1958, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 31 मार्च 1958, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा 31 मार्च 1958, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बिल्कुल सही राइट आंसर है सभी का। चलिए पांच प्रश्न की तरफ। राजस्थान नहर के प्रथम चरण का 189 किमी भाग कब बनकर पूरा हुआ, 189 किमी भाग कब बनकर पूरा हुआ, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, सही बिल्कुल बताइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए राइट आंसर देने की। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर होगा बिल्कुल सटीक आंसर, तो यहाँ पर सभी का 1975, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1975, सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1975। तो आप लिख लिख के याद कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका सातवां, केंद्रीय जल व विद्युत आयोग द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के लिए सर्वप्रथम कब सर्वेक्षण किया गया? तो
तो केंद्रीय जल व विद्युत आयोग द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के लिए सर्वप्रथम कब सर्वेक्षण किया गया? जल्दी बताइए, 1951, 1947, 1949, 1951। तो यहाँ पर दो बार 1951 आ गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आप राइट आंसर दीजिए आपका। तो आप सभी इसका सही से राइट आंसर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थियों का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर सही राइट आंसर देगा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, यानी कि 1951 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर होगा 1951। केंद्रीय जल व विद्युत आयोग द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के लिए सर्वप्रथम कब सर्वेक्षण किया गया? तो कब किया गया था, 1951 में सर्वेक्षण किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आठवां, कवरसेन लिफ्ट नहर प्रणाली किस जिले के क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है? तो आपको बताना है जो कवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है वो किस जिले के क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी। तो इसका सही से राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि बीकानेर को, किसको, बीकानेर को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है कवरसेन लिफ्ट नहर प्रणाली परियोजना। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर की कितनी मुख्य शाखाएं हैं? तो राजस्थान नहर की कितनी मुख्य शाखाएं हैं, तो आप जल्दी बताइए। तो यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि 9 शाखाएं हैं, राजस्थान नहर की 9 मुख्य शाखाएं हैं, तो सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजस्थान फीडर का कितना भाग है? तो हरियाणा में राजस्थान फीडर का कितना भाग है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। 10वें प्रश्न का राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर, हरियाणा में राजस्थान फीडर का कितना भाग है, तो 19 किलोमीटर सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न, राजस्थान फीडर का कितना किमी, कितना किलोमीटर भाग पंजाब में है? तो आपको बताना है इसका सही राइट आंसर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 150, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही होगा। जिसने भी सी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही राइट आंसर है, राजस्थान फीडर का कितना किमी भाग पंजाब में है, 150। अगला प्रश्न है बारवा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितने जल की मात्रा का उपयोग पेय के लिए किया जाता है, यानी कि पीने के लिए कितने पानी का उपयोग किया जाता है इंदिरा गांधी नहर के पानी का? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही से जवाब। तो इसका सही से जवाब होगा आप सभी विद्यार्थियों का 0.87 मिलियन एकड़ फीट, कितना, 0.87 मिलियन एकड़ फीट, बिल्कुल राइट आंसर देगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी फीडर की कितनी किमी की लंबाई राजस्थान में? तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी जो फीडर है उसकी कितनी लंबाई राजस्थान के अंदर आती है, तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही से जवाब होगा। और लास्ट में आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसका आपको मैं पता बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट में, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ, राजस्थान राज्य में फीडर नहर सहित इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? राजस्थान राज्य में फीडर नहर सहित इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर, 479, 670, 279, 156। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर है, राजस्थान राज्य में पीड़ा नहर सहित इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 479 किलोमीटर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग पेयजल के लिए रखा गया है? जल्दी बताएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग पेयजल के लिए रखा गया है, 20, 11.5, 40, 50।
तो कितना प्रतिशत रखा गया है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही 11.5%, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध जल का 11.5% भाग पेयजल के लिए रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पशुपालन विभाग द्वारा सेवन घास के संरक्षण तथा हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम संचालित है, तो कौन सा कार्यक्रम संचालित है आपको बताना है इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बार बार में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे। तो यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? गोल्डन ग्रास प्रोजेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 70वां इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? तो इंदिरा गांधी नहर है उसका जीरो पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनगढ़। इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? तो हो जाएगा मोहनगढ़ में, बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां की हरि के बैराज से निकलने वाली प्रमुख नहर निम्न में से कौन सी है? तो हरि के बैराज से निकलने वाली प्रमुख नहर निम्न में से कौन सी है? तो बताइए भांगड़ा, गंग, नांगल, इंदिरा गांधी फीडर। हरि के बैराज से निकलने वाली कौन सी नहर है? अभी हाल ही में मैंने बताया था आपके लिए, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में कर दीजिए। जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए जल्दी से दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका गंग। हरि के बैराज से निकलने वाली प्रमुख नहर कौन सी है? गंग। और इंदिरा गांधी नहर जो कहाँ से निकलती है वो आपको बताना है। इंदिरा गांधी वो निकलती है हरि के बांध से, ठीक है? तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर फीडर है, फीडर अलग है और इंदिरा गांधी नहर अलग है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 19वां, इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में है। तो आपको बताना है इसका सही राइट आंसर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य से है, यानी कि कहां से ये इसका शुरुआत होती है या कहां से निकलती है? तो राइट आंसर बताइए आप, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पंजाब, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा आपका यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी आपका आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न राजस्थान जी के संबंधित, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित। सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। तो चलिए अब पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है आपको, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना डेली, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डेली पीडीएफ डाउनलोड करने का। तो चलिए अपन देखते हैं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पीडीएफ के नाम से करके, ठीक है? पीडीएफ के नाम से करके नीचे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आपको इसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसी वेबसाइट में आपको ऊपर ही ऊपर चलना है, यहाँ पर सभी जानकारी मिलती है इस वेबसाइट में वैसे तो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पीडीएफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान सिंचाई संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान पुलिस पटवारी शिक्षक भर्ती इन सभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाती है आपको। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर पीडीएफ राजस्थान सिंचाई यहाँ पर लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए आप इस लिंक से। तो इस लिंक से आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये आप यहाँ देख रहे हो इसमें क्लिक किया मैंने, ये क्लिक करते हैं यहाँ पर मांगता है कि इनमें से कौन सी आपको आपकी जीमेल आईडी चाहिए पेन ड्राइव में करने के लिए, या आपको डायरेक्ट भी जाएगी बहुत सारे बच्चों के। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये ओपन हो जाएगी, यहाँ पर ये देख सकते हो पूरी वेबसाइट आप, या यहाँ पर ये देख सकते हो ये पीडीएफ है जो कि आप देख सकते हो 39 कल वाले की यही है। तो आप यहाँ से अलग अलग डाउनलोड कर सकते हो, ये डेली की आप पीडीएफ यहाँ से ये देख सकते हो, पहला प्रश्न है। तो आप इसे ऐसे आपको पढ़ पढ़ के देखने हैं कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर आप यहाँ पर
यदि मान लो आपका गलत हो जाता है तो आप दोबारा एक वीडियो भी एक बार दोबारा और देखिए और इस वीडियो को दोबारा मिलाइए, तो इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक भी प्रश्न गलत होने का चांस नहीं रहेगा आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में। इसलिए मैंने ये इस तरह डिजाइन किया है कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे ये टेस्ट सीरीज। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ जो कि मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी और जानकारी लेनी तो आप यहाँ ले सकते हो, जैसे जेवनल हेल्पर टू के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RSMS भी के सभी पटवारी भर्ती वैकेंसी वगैरह यहाँ पर कुछ आती है, तो पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इस वेबसाइट का। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी PDF कैसे डाउनलोड करनी है। समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट कर देना मुझे। धन्यवाद।